गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में समझाया था। आज मैं आपको वाहनों में लगे सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इस सिस्टम में लगे जो कन्वेंशनल यानी सेमी इलेक्ट्रिकल ली स्प्रिंग है, उसकी बनावट और उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे वाहनों में सस्पेंशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, सस्पेंशन सिस्टम का क्या कार्य है तथा सस्पेंशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और जो सेमी इलेक्ट्रिकल ली स्प्रिंग है उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सस्पेंशन सिस्टम की आवश्यकता। स्टीयरिंग स्टेबिलिटी यानी स्टीयरिंग को स्थिरता प्रदान करने के लिए सड़क और टायर के मध्य घर्षण को अधिकतम करने के लिए यह सिस्टम प्रयोग किया जाता है, ताकि हम वाहन को अच्छी प्रकार से कंट्रोल कर सकें या हैंडल कर सकें। इस सिस्टम का कार्य, यह सिस्टम न केवल वाहनों में बैठे हुए यात्रियों को आराम से सफर तय करने देता है, बल्कि रोड सॉक्स से जो वाहन के पुर्जे हैं और वाहन में रखा गया सामान उसको भी टूट फूट से बचाता है, यानी यात्री और जो सामान है वो उनको क्षति ना पहुंचे, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, यह सिस्टम प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इस सिस्टम के प्रकार। विशेष तौर पर सस्पेंशन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, नंबर दो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में हमने देखा था कि अगर वाहन का एक टायर किसी टीले या गड्ढे में चढ़ा जाता था तो उस स्थिति में दूसरा जो व्हील है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। नंबर दो जो कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम है, इसमें बेसिकली हम लीफ स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। इस सिस्टम को हम डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में दोनों व्हील के जो एक्सिस हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी अगर ये व्हील किसी टीले पर या गड्ढे में चला जाता है तो दूसरे व्हील पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज हम कन्वेंशनल सिस्टम के अंतर्गत बेसिकली लीफ स्प्रिंग प्रयोग करते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कई प्रकार के लीफ स्प्रिंग हम प्रयोग करते हैं। नंबर एक सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, नंबर दो क्वार्टर एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, नंबर थर्ड थ्री क्वार्टर एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, नंबर फोर ट्रांसवर्स स्प्रिंग, नंबर फाइव फुली एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। तो आज मैं आपको सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग के बारे में बताऊंगा। ये आपको एक सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग का डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसके मटेरियल की बात करते हैं। यह स्प्रिंग जो है बेसिकली एलॉय स्टील के बनाए होते हैं, यानी एलॉय स्टील में इनमें स्प्रिंग एक्शन अच्छा रहता है, इनको हम स्प्रिंग स्टील भी कह सकते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा भी अधिक होती है। इनको फॉर्मिंग प्रोसेस के पश्चात, जहां पर ये मैन्युफैक्चर होते हैं वहां पर एक फॉर्मिंग प्रोसेस होती है। फॉर्मिंग प्रोसेस के पश्चात इन स्प्रिंग की क्वेंचिंग की जाती है, यानी इन स्प्रिंग को काफी लाल गर्म किया जाता है और उसके बाद मशीन के द्वारा इनमें कैमरिंग की जाती है। कैमरिंग करने के पश्चात इनको जो है ठंडे पानी या तेल में डुबो दिया जाता है, ताकि इनमें हार्डनेस बनी रहे, यानी हार्डनेस टेम्पर उस प्रोसेस को हम कहते हैं, ताकि ये स्प्रिंग जो है मुड़े नहीं, स्प्रिंग के अंदर ताकत बनी रहे और ये वाहन के ऊपर जो भार है उसको भी सहन कर सके, यानी स्प्रिंग जो है टूटे नहीं। उसके बाद देखते हैं इसकी बनावट। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला लीफ जिसको हम मास्टर लीफ या मेन लीफ कहते हैं, इसके दोनों किनारों को मोड़ा जाता है जिसको मेन लीफ की आई कहते हैं। इस आई के अंदर एक बुश फिट किया जाता है जो विशेष तौर पर रबड़ का भी होता है और इसके अलावा ये जो है मेटल के भी बने होते हैं। जो रबड़ का बुश होता है उसको हम साइलेंट ग्लो कहते हैं, जो कि अधिकतर वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं। लीफ स्प्रिंग के नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार से कई पत्तियां जोड़ी जाती हैं जो इस मेन लीफ को सपोर्ट प्रदान करती हैं। यहां पर आप देख रहे हैं मेन लीफ का एक सिरा चेची फ्रेम के साथ ब्रैकेट से जुड़ा जाता है और इसी स्प्रिंग का दूसरा सिरा जो है चेची में लगे साइकिल से जोड़ा जाता है।
साइकिल का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जब रोड शॉक्स पड़ते हैं या फिर वाहन के ऊपर हम वजन डालते हैं, भार डालते हैं, उस समय स्प्रिंग की लंबाई बढ़ती है। उस बढ़ती हुई लंबाई को जगह देने के लिए हम साइकिल का प्रयोग करते हैं। बाकी ये आप देख रहे हैं, ये रिबाउंड क्लिप कहते हैं उनको। रिबाउंड क्लिप क्या करते हैं, ये जो स्प्रिंग आपस में जुड़े हुए हैं ये इधर उधर ना हो, एक शीट में बने रहे, यानी रिबाउंड क्लिप इनको जोड़ के रखता है ताकि इन स्प्रिंगों में ताकत बनी रहे। ये सेंटर में आप देख रहे हैं, इसको हम सेंटर बोल्ट या आई बोल्ट कहते हैं। आई बोल्ट के द्वारा इन स्प्रिंगों को आपस में जोड़ा जाता है। इस स्प्रिंग असेंबली को सेंटर में एक्सल के साथ एक यू बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो है आपको मैंने अभी स्प्रिंग असेंबली के बारे में बताया। अधिकतर वाहनों में यही जो सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग है प्रयोग किया जाता है, और जो हैवी वाहन से हमारे ट्रक और बसों में जिसमें हम ज्यादा अधिक भार डालते हैं वहां पर इस मेन लीफ की सहायता के लिए हम इसी के ऊपर एक हेल्पर स्प्रिंग प्रयोग करते हैं। उसमें 5 या 7 पट्टे जो है और फिट कर दिए जाते हैं जो इन मेन लीफ की मदद करते हैं। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग है समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।